वेलकम स्टूडेंट, SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात करेंगे हिंदी ग्रामर की। इस वीडियो में हिंदी ग्रामर के अंतर्गत हम उपसर्ग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? उपसर्ग। उपसर्ग की बात की थी। उपसर्ग किसे कहते हैं और काफ़ी उपसर्ग के अर्थ और उसके उदाहरणों की बात की थी। हमने अंत में परी उपसर्ग लिखा था कि परी उपसर्ग का मतलब क्या होता है। तो हमने लिखा परी का मतलब चारों तरफ, देखिए उसके दो तीन उदाहरण लिखे थे, परिणाम हो, परिधि हो, परिजन वगैरह, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने पर उपसर्ग की भी बात की थी। पर का मतलब अधिक, आगे या ऊपर होता है, उसकी बात कर ली थी। आज जिस उपसर्ग की बात करेंगे वो है प्रति। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग। देखिए प्रति का मतलब होता है विरोध में, एक तो अर्थ होता है इसका, विरोध में अर्थ होता है। बराबरी के लिए भी प्रति शब्द, प्रति उपसर्ग का प्रयोग होता है। बराबरी के अलावा प्रत्येक, उसके लिए भी प्रति का प्रयोग होता है कि प्रत्येक के अंदर परि उपसर्ग भी है। परिवर्तन के अर्थ में भी प्रति उपसर्ग का प्रयोग अर्थ आता है, उसका मतलब होता है। ध्यान रखना, कौन कौन से प्रति उपसर्ग के शब्द होते हैं? तो बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रतिनिधि शब्द होता है, प्रतिकार में भी प्रति उपसर्ग है, प्रत्येक जो शब्द हैं उसमें भी प्रति उपसर्ग है, प्रतिदिन या प्रतिकूल, प्रतिदान, बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं, लास्ट में लिखेंगे इत्यादि। और ये शब्द कौन से हैं? सारे प्रति उपसर्ग वाले। प्रति के बाद में एक उपसर्ग होता है वी। वी दरअसल हैं वो असमानता के लिए अर्थ होता है इसका, तो विशेषता दिखाने के लिए भी वी उपसर्ग का प्रयोग होता है, हीनता दिखाने के लिए भी, हीनता का भाव प्रकट होने के लिए भी वी उपसर्ग होता है। इसके शब्द की बात करें कौन कौन से शब्दों में वी उपसर्ग होता है, तो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे विकास शब्द हैं वी उपसर्ग हैं, विज्ञान देखा होगा आपने, विज्ञान, मैं विज्ञान को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, विदेश हो में भी वी उपसर्ग हैं, विधवा जो शब्द हैं जिसका कोई पति नहीं है विधवा, उसमें भी उपसर्ग हैं, वी प्लस वाद बराबर विवाद, वी प्लस शेष बराबर विशेष। और बात करें तो विराम में उपसर्ग, वियोग में भी उपसर्ग हैं, विभाग शब्द में भी वी उपसर्ग हैं, विकार शब्द हैं उसमें भी वी उपसर्ग हैं, विनाश में भी वी उपसर्ग हैं, विमुख हैं, विनय, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें वी उपसर्ग लिखे जाता है। ध्यान रखना आपको, वी हो गया पूरा। एक होता है सम उपसर्ग, सम में म में हलन, सम। इसके अर्थ की बात करें तो ये पूर्णता अर्थ में आता है, तो एक संयोग के अर्थ में भी सम उपसर्ग आता है, ठीक है।
अब देखो कौन कौन से शब्द हैं जिसमें सम उपसर्ग हो सकता है और होता है। जैसे आपने सब देखा होगा संकल्प में सम उपसर्ग हैं, संग्रह में भी सम उपसर्ग हैं, संतोष में भी सम उपसर्ग हैं, संन्यास में भी सम उपसर्ग हैं, संयोग में भी सम उपसर्ग, संरक्षण में भी सम उपसर्ग हैं, संहार में भी सम उपसर्ग हैं, सम्मेलन होता है उसमें भी उपसर्ग हैं, संस्कृत में सम उपसर्ग हैं, सम्मुख में सम उपसर्ग हैं, और संग्राम इसमें भी सम उपसर्ग, इत्यादि शब्दों में सम उपसर्ग हमें नज़र आता है। ऐसे शब्द आए तो आप आराम से उसमें अलग कर सकते हो। म है तो वो अनुस्वार के रूप में ऊपर बैठ जाते हैं, सर के ऊपर, सीधी सी बात है। इसमें इसमें तो म आपको हलन दिखाई दे रहा है, म आधा दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसमें म आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो इन सब के ऊपर जो अनुस्वार है उसके रूप में है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है आधा न, आधा न इस तर को देख करके। दरअसल क्या होता है कि अनुस्वार है वो जब नीचे आता है तो अगले वाले वर्ण को देख कर उसका पांचवा वर्ण उस बन जाता है। जैसे म अनुस्वार नीचे आया तो आगे देखा त है, तो त का पांचवा वर्ण कौन सा होता है, न होता है, इसलिए वो म अनुस्वार है वो न में बदल गया, और आधा अनुस्वार मतलब सीधी सी बात है आधा न बन गया। तो ये सारे शब्द है जिसमें सम उपसर्ग है, ध्यान रखना। तो आपको कॉपी में ऐसे उतारना है और जब भी टाइम मिले इसको देखना है ताकि शब्द आपके दिमाग में रहे और आप समझ सको कि किस प्रकार के शब्दों में कौन कौन सी कैसे पहचान सकते हैं कि उपसर्ग कौन सा है, ये ध्यान रखना आपको। अगर हम और बात करें तो एक सु उपसर्ग भी होता है, कौन सा सु का मतलब उसका अर्थ देखें तो सुंदर के अर्थ में भी, एक अच्छे भाव में अच्छा भाव में भी सु का उपसर्ग होता है, सहज शब्द के लिए सहज भाव में, सहज भाव में भी सु का उपसर्ग होता है, और सुखी के लिए भी सु उपसर्ग का प्रयोग होता है। ये सु के अलग हैं, देखो एक शब्द के अलग अलग अर्थों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे आपने अगर इंग्लिश की बात करें तो एक शब्द होता है, एक वर्ड है सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के अलग अलग अर्थ होते हैं, सब्जेक्ट का मतलब विषय भी होता है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता भी होता है, सब्जेक्ट का मतलब जनता भी होता है, इसलिए अलग अलग शब्दों के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ होते हैं। इसलिए सु शब्द के दो तीन अर्थ बताएं, सुंदर अच्छा भाव के लिए भी, सहज के लिए भी, और सुखी शब्द के लिए भी, सुखी के अर्थ में भी इसका सु उपसर्ग का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं हमारे किताब में या हमारी भाषा में तो हम उनका सु अर्थ में या सु उपसर्ग में देखते हैं। जैसे सुलभ हैं, सु प्लस लभ आसानी से मिलने वाला, सुगम आराम से जाने वाला, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, सुदूर शब्द हैं, स्वागत में भी अभी बात करेंगे, स्वागत को हम शब्द को तोड़ेंगे तब वो और समझ में आएगा, लेकिन इसके अलावा सुभाषित हैं, सुवास हैं, सुजन हैं, सुकृत हैं, ये शब्द हैं जिसमें सु उपसर्ग है, ठीक है। एक बार स्वागत शब्द को तोड़ते हैं, देखो इसमें सु उपसर्ग हैं और आगत मूल शब्द हैं, सु प्लस आगत बराबर स्वागत कैसे बना है, संधि अगर आपने ढंग से सुनी है, पढ़ी है, देखी है, सु में किसकी मात्रा है, उ की है, आगे क्या है आ है, उ के बाद असमान स्वर आए तो उ का आधा व व हलन बन जाता है, यण स्वर संधि का ये नियम है, तो सु में से उ निकल गया, स हो गया आधा, आधे स के बाद में आपने उ स्वर का आपने आधा व बनाया तो आधा व लिख दिया,
आ व में जुड़ा तो वा बन गया और गत, तो इस हिसाब से स्वागत शब्द बन गया, ये ध्यान रखना। संधि कौन सी? यण स्वर संधि। उस समय मैंने आपको कहा था कि संधि ध्यान से पढ़ना, आगे काम आएगी। अब आपके काम आ रही है इन शब्दों को समझने में। इसके अलावा एक उपसर्ग होता है अध, आधे के अर्थ में अध उपसर्ग का उपयोग होता है। आधे के अर्थ में, किसके अर्थ में? आधे के अर्थ में ध्यान रखना है आपको, अध उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगर इसके शब्द देखें, जैसे अध पक्का मतलब आधा पक्का, अध मरा, न मरा है पूरा न जिंदा है, आधा मरा हुआ आधा जिंदा, अध जला आधा रूप से जला हुआ, अध खिला पूरा फूल नहीं खिला, अध खिला हुआ है आधा। ये जो इत्यादि शब्द हैं, ध्यान रखना है कि इसमें अध क्या है? उपसर्ग है। अब एक उपसर्ग होता है अ और अन। अका तो बात किया था हमने अभाव के रूप में अर्थ, ठीक है, अज्ञान वगैरह। और अन भी होता है कहीं कहीं, जो निषेध के अर्थ में उपयोग होते हैं ये उपसर्ग, अभाव या निषेध के रूप में। जैसे अमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, अनपढ़ जो पढ़ा हुआ नहीं है, तो अन उपसर्ग हो गया अनपढ़ में। अनमोल, अनजान इत्यादि शब्दों में ध्यान रखना है आपको कि और अनुपसर्ग। अनमोल में तो अन है, अनपढ़ में, अनजान में अन है, अमोल है, अथा है, अजान है, ये शब्द ऐसे हैं जिसमें अउपसर्ग हैं, ध्यान रखना है। एक उपसर्ग होता है उन। कौन सा होता है? उन। उन एक कम के लिए उपयोग होता है, एक कम के लिए उन उपयोग होता है उन उपसर्गों में। और उन से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे 29, 29, 29, 49 इत्यादि बहुत सारे, जैसे 69, 59, उस सब में ध्यान रखना है आपको कि उन उपसर्ग के। कौन सा? उन। ठीक है, एक उपसर्ग होता है बिन। कौन सा? बिन। बिन दरअसल निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे बिन बोया, बोया हुआ नहीं, बिन ब्याह, ब्याह नहीं हुआ इसका,
बिन जाना, बिना जाना हुआ, तो इत्यादि शब्द है जिसमें बिन उपसर्ग है। एक उपसर्ग होता है भर, भर का मतलब पूरा और ठीक, दो अर्थ में होता है भर शब्द के। भर उपसर्ग का अर्थ भर पेट, भरपूर, भर दिन इत्यादि ये शब्द हैं जिसमें ध्यान रखना है आपको कि ये होता है भर उपसर्ग। तो ये उपसर्ग हमने पढ़ लिए, संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग। दो तीन हिंदी के भी हैं लेकिन संस्कृत के प्रमुख हैं। अब बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग, दो नंबर हेडिंग लिखेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में उपसर्ग होता है दू, क्या होता है दू उपसर्ग, मतलब वैसे दूर होता है, क्या होता है दूर। जैसे निषेध के अर्थ में, कमजोर के अर्थ में, हीन अर्थ में इसका प्रयोग होता है। हीन अर्थ में कौन कौन से शब्द हैं, तो दुर्जन हैं, दुर्बल हैं। खराब अर्थ में या बुरे अर्थ में इसका प्रयोग होता है दूर का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इत्यादि। इसके अलावा हिंदी में भी अ होता है, अन होता है, भर होता है, जो हमने बात कर लिए। एक होता है क उपसर्ग भी होता है, बुरा या हीन अर्थ में प्रयोग होता है इस क उपसर्ग में। जैसे कपूत, कचोट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इस प्रकार के शब्द भी होते हैं, इनमें ये उपसर्ग होता है। पर एक उपसर्ग होता है पर मतलब दूसरा या बाद का, उसके अर्थ में भी पर उपसर्ग का उपयोग होता है पर का। अब शब्द की बात करें तो परलोक, परोपकार, परहित, परसर्ग इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिसमें पर उपसर्ग है, ठीक है। तो हिंदी कितने हैं, बाकी लगभग जो संस्कृत के हैं वो हिंदी में हमने उसकी बात कर ली है उपसर्ग की। तो थोड़े बहुत उर्दू के हैं उसकी बात कर लेते हैं, फिर अंग्रेजी के भी हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे आप उर्दू के उपसर्ग। अब उर्दू के कौन कौन से ध्यान देंगे, जैसे एक होता है ला, इसका बिना अर्थ होता है बिना,
इसके कौन कौन से होते हैं? लाचार, लापरवाह, लापता, लाजवाब इत्यादि। ठीक है, ला का मतलब बिना, और लाचार में ला उपसर्ग है, लापरवाह में हो, लापता हो, लाजवाब हो। एक उपसर्ग होता है बद, उर्दू में कौन सा? बद। इसका मतलब बुरा अर्थ में, किसके अर्थ में? बुरे अर्थ में या बुरे के भाव में। बद सूरत, उसमें बद उपसर्ग है। बदनाम हो, नाम खराब। बदमाश हो, बदकिस्मत हो। तो लिखेंगे इत्यादि शब्दों में ये भी ध्यान रखना है कि इसमें बद उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग हो गए मैं जो मैंने बताया है हिंदी और संस्कृत के, और इसके अलावा उर्दू की शुरुआत की है। तो ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में बढ़िया राइटिंग में मस्त सुंदर रूप से। इसके अलावा आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। आपके ये काम जो है ग्रामर का ज़रूरी है कि कॉपी में करें आप, ताकि आपकी राइटिंग बढ़िया आ जाए और साथ साथ में याद भी हो जाए। जब भी याद नहीं हो तो इसको ज़रूर देखें ताकि याद हो सके। ठीक है, बाकी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही।